पढ़ा था विटामिन ए, ठीक है। देखो विटामिन्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम उठा लो आप, HSSC का हो या SSC का, एग्जामिनर विटामिन से क्वेश्चन जरूर डालता है, दो क्वेश्चन पक्का आते हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने बेसिक पढ़ा था, आज हम डीपली स्टडी करेंगे। किसी भी चीज़ को डीपली से डिस्कस करने के लिए आपको उसका बेसिक का पता होना चाहिए। तो मेरी फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने बेसिक करवाया हुआ, ठीक है। देन आज की जो हम वीडियो पढ़ेंगे वो आपको इजीली क्लियर हो जाएगी, क्लियर। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था विटामिन ए, विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आईज पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे विटामिन डी, अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो कहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। देखो जो विटामिन डी है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि विटामिन डी टीथ और बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़रूरी है टीथ और बोन्स के लिए। अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो टीथ पे इफेक्ट पड़ेगा और बोन्स पे इफेक्ट पड़ेगा, यानी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, ठीक है। इकलौता ऐसा विटामिन जो हमारे शरीर में बनता है, यानी जिसका निर्माण हमारी त्वचा करती है। सूर्य की धूप की उपस्थिति में हमारी त्वचा विटामिन डी का निर्माण करती है, ठीक है। तो और विटामिन डी बोन्स के लिए अच्छा होता है, क्लियर। अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो हड्डियाँ कमजोर होना स्टार्ट हो जाएंगी, हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे करता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द होता है, ठीक है। किस विटामिन को हॉर्मोन विटामिन भी कहा जाता है, या ऐसा कौन सा विटामिन है जिसका निर्माण हमारे शरीर, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। या पूछ लेता है किसी भी विटामिन का केमिकल नेम बताओ, मिंटू से रासायनिक नेम, तो आपको केमिकल नेम भी बताना चाहिए। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा, जो विटामिन डी है इसका केमिकल नेम क्या होता है। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी इज कैल्सीफेरॉल। इसको हिंदी में भी कैल्सीफेरॉल ही कहते हैं, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। ये जो कैल्सीफेरॉल है ये दो वर्ड से मिलके बना है, कैल्सी प्लस फेरॉल, ठीक है, कैल्सी प्लस फेरॉल। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज कैल्सी एंड फेरॉल। कैल्सी मिंटू से कैल्शियम एंड फेरॉल मिंटू से फॉस्फोरस। यानी ये दो वर्ड से जुड़ा हुआ है, कैल्शियम और फॉस्फोरस से। तो जो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस हैं उनका हमारे शरीर में क्या योगदान है, ठीक है। जो विटामिन डी होता है ये कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को रेगुलेट करवाता है हमारी बॉडी, ठीक है। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का डाइजेशन करवाता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का पाचन करवाने में सहायक है विटामिन डी, ठीक है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी, कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हड्डियों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हड्डियों में जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा और हमारी हड्डियां मजबूत नहीं रहेंगी, झड़ना शुरू कर देंगी, ठीक है। यानी यहाँ से एक चीज पता चल रही है कि जो कैल्शियम है और जो फॉस्फोरस है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस वो हड्डियों के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कह सकते हो, एक क्वेश्चन बन जाता है, विटामिन डी इट इज एनरिच विटामिन फॉर बोन्स। हड्डियों के लिए अच्छा विटामिन होता है विटामिन, ठीक है। और जो ये कैल्शियम है वो मैक्सिमम हमारी बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कैल्शियम एंड फॉस्फोरस दोनों से मिलके ही बनता है विटामिन डी, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? तो आप बोल सकते हो इट इज एनरिच विटामिन फॉर बोन्स, बी2 से हड्डियों के लिए अच्छा विटामिन होता है विटामिन डी, ठीक है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी या कह सकते हो विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो कैल्शियम हमारे शरीर से धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है, यूरिन के थ्रू निकल जाता है। और हमारे शरीर से किसी चीज का निकल जाना
कहलाता है उत्सर्जन। उत्सर्जन, उत्सर्जन, उत् का मतलब बाहर, सर्जन का मतलब निकल जाना, बाहर निकल जाना, शरीर से कैल्शियम का बाहर निकल जाना, कैल्शियम का उत्सर्जन होना हमारे शरीर से, उसको बोलते हैं टिटेनी। ये एक बीमारी है, एक रोग है, जब शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, धीरे धीरे जैसे ही कैल्शियम का उत्सर्जन होगा बॉडी से, तो वो बन जाता है टिटेनी। ठीक है, तो आप इसको लिखोगे एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड टिटेनी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप कह सकते हो कैल्शियम का शरीर से उत्सर्जन, उत्सर्जन मिनटों से बाहर निकल जाना कहलाता है टिटेनी, टिटेनी कहलाएगा। ठीक है, इससे उल्टा भी हो सकता है कि कैल्शियम हमारे शरीर में जमना स्टार्ट हो जाता है, तो कैल्शियम के जमाव को क्या कहते हैं, कैल्शियम का शरीर में जमाव होना, कैल्शियम का बॉडी में जम जाना क्या कहलाता है, कैल्सीकरण। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर कैल्शियम शरीर से बाहर निकल रहा है तो टिटेनी कहते हैं, अगर कैल्शियम शरीर में जमना शुरू कर देता है तो उसको कहते हैं कैल्सीकरण। ठीक है, तो आप कह सकते हो डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी इज कॉल्ड कैल्सिफिकेशन। डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन अवर बॉडी इज कॉल्ड कैल्सिफिकेशन। क्लियर, तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो विटामिन डी है वो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, वो हमारी बोन्स के लिए बहुत जरूरी है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो हड्डियां कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हड्डियों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, तो ऐसी कौन कौन सी डिजीज हो जाती हैं अगर विटामिन डी की कमी हो जाए। देखो, विटामिन डी की कमी को कहते हैं डेफिशिएंसी। ठीक है, विटामिन डी की कमी को कहते हैं डेफिशिएंसी, और कमी से होने वाले रोग को कहते हैं डिजीज। ठीक है, और हमारे शरीर की तीन स्टेज होती है, चाइल्डहुड, अडल्ट एंड ओल्ड एज। ठीक है, तो अगर विटामिन डी की कमी हो रही है तो तीनों स्टेज पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सी डिजीज किस स्टेज पे इफेक्ट डालती है, जैसे विटामिन डी की कमी से एक बीमारी हो जाती है उसको कहते हैं रिकेट्स। रिकेट्स, रिकेट्स को हिंदी में सूखा रोग भी कहते हैं, इसका दूसरा नेम सूखा रोग भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिकेट सिर्फ और सिर्फ बच्चों में होता है, इन चिल्ड्रन ओनली। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो अगर रिकेट्स हो रहा है, विटामिन डी की कमी है, तो इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो रही है, रिकेट्स। ठीक है, हड्डियों पे इफेक्ट डालेगा क्योंकि ये बोन्स के लिए अच्छा है, कॉमन है, तो हड्डियों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। तो रिकेट्स में क्या होता है, हड्डियां कमजोर होके मुड़ना शुरू कर देती है, ये मेनली बच्चों में होता है, बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और मुड़ना स्टार्ट कर देंगी, जिसको हम कहते हैं रिकेट्स। ठीक है, रेलवे में एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि सुखंडी रोग किसे कहते हैं, सुखंडी रोग भी सूखा रोग है, रिकेट्स होता है, जो विटामिन डी की कमी से होता है और सिर्फ बच्चों में। ठीक है, सेकंड, ये तो था ओनली बच्चों में, अडल्ट्स के अंदर हो जाता है, अडल्ट्स में हो जाता है ऑस्टियो मलेशिया।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओस्टियो मलेशिया। ओस्टियो मलेशिया दो वर्ड से मिलके बना, ओस्टियो मीन टू से बोन्स। जहां भी आपको ओस्टियो वर्ड दिखता है इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू अवर बोन्स, एंड मलेशिया मीन्स मसल्स। ठीक है, तो अगर विटामिन डी की कमी हो रही है अडल्ट में तो उससे हो जाता है ओस्टियो मलेशिया, यानी हड्डियां और मांसपेशियां आपकी कमजोर हो जाती हैं, बोन्स और मसल्स वीक हो जाती हैं, ओस्टियो मलेशिया। ठीक है, उसके बाद ओल्ड एज पर्सन में हो जाता है, बुढ़ापे में कह सकते हो आप, विटामिन डी की कमी से ओस्टियो पोरोसिस। रट्टा नहीं मारना है, लर्न करने का मेथड देखना है क्या है। ओस्टियो मींस बोन्स और पोरोसिस मींस पोर्स। पोर्स क्या होते हैं? छेद। ठीक है, हड्डियों का खोखला हो जाना। तो बुढ़ापे में हड्डियों में बहुत दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, तो वो किस वजह से होता है? ओस्टियोपोरोसिस की वजह से, विटामिन डी की कमी की वजह से। तो हड्डियों में छेद होने स्टार्ट हो जाते हैं, हड्डियों में खोखला बना जाता है। क्लियर? तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि जो विटामिन डी है वो बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। क्लियर? और यहाँ पे हमने पढ़ा कि एक वर्ड है ओस्टियो, जो किससे रिलेटेड है? बोन्स से रिलेटेड है। ठीक है, अभी पढ़ा ओस्टियो, ओस्टियो वर्ड इज रिलेटेड टू बोन्स। और अगर किसी चीज की स्टडी करनी हो तो उसके लास्ट में लग जाता है लोजी। लोजी का मतलब होता है अध्ययन करना, किसी चीज की स्टडी करने को हम कहते हैं लोजी, लास्ट में लग जाता है। ठीक है, सो द स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओस्टियोलॉजी। ठीक है, द स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ओस्टियोलॉजी। क्लियर है यहां तक? यानी विटामिन डी किसके लिए अच्छा होता है? बोन्स के लिए अच्छा होता है। हमें पता चल गया अगर विटामिन डी की कमी होगी तो हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, हड्डियां जड़ना शुरू कर देती है। ठीक है, हमारे शरीर में कितनी बोन्स होती है, टोटल बोन्स कितनी होती है, आप लोगों को ये भी बताना चाहिए। टोटल बोन्स कितनी होती है? अलग अलग होती है। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, न्यूली बोर्न बेबी के अंदर कितनी होती है। न्यूली बोर्न बेबी, जिसको आप लोग नवजात शिशु भी कह सकते, न्यूली बोर्न बेबी के अंदर सबसे ज्यादा होती है 300 प्लस बोन्स होती है। ठीक है, अगर एग्जाम में 320 मिलता वो भी ठीक है, 330 मिलता वो भी ठीक है, 300 प्लस होती है न्यूली बोर्न बेबी के अंदर। यहाँ तक प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होती, हड्डियां जुड़ना शुरू नहीं करती, इसी वजह से जो नवजात शिशुओं को चल नहीं पाता। ठीक है, जैसे ही थोड़ा बड़ा होगा तो उसको हम कह देते हैं चाइल्ड, बच्चा बन जाता है, तो हड्डियां एक दूसरे से जुड़ना शुरू कर देती है। जैसे ही हड्डियां जुड़ना शुरू करेंगी तो बच्चे की इटमीन्स प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, तो हड्डियां थोड़ी कम रह जाएंगी तो उसमें हो जाते हैं 208। न्यूली बोर्न बेबी के अंदर 300 होती हैं, बच्चे के अंदर 208 हड्डियां होती हैं। जैसे ही प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाती है तो हम उसको कहते हैं अडल्ट, 18 प्लस के बाद। ठीक है, तो अडल्ट के अंदर जो बोन्स हैं वो रह जाती हैं 206। क्लियर? तो अगर विटामिन डी इतना इंपॉर्टेंट है तो हमें ये भी पता होना चाहिए हमें कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सोर्स, जिस चीज को हम जहां से प्राप्त करते हैं उसको हम बोलेंगे सोर्स। तो विटामिन डी का फर्स्ट सोर्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सनलाइट। ठीक है, देखो वैसे तो सनलाइट से हमें कोई भी विटामिन नहीं मिलता, लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में हमारी बॉडी से एक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है विटामिन डी। हमारी त्वचा धूप में, सूर्य की धूप की उपस्थिति में विटामिन डी का निर्माण करती है। ठीक है, तो कैसे? जो सनलाइट है इसके अंदर प्रेजेंट होता है अल्ट्रा वायलेट
जिसको आप यूवी भी कह सकते हो, ठीक है। अल्ट्रावायलेट प्रेजेंट होता है, जैसे ही हम धूप में बैठेंगे तो हमारी स्किन के अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको आप लोग पिगमेंट भी बोल सकते हो, वो होता है एग्रेस्टेरोल। सनलाइट के अंदर प्रेजेंट होते अल्ट्रावायलेट यूवी होती है, एंड स्किन के अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको आप पिगमेंट भी कह सकते हो, एग्रेस्टेरोल। जैसे ही अल्ट्रावायलेट और एग्रेस्टेरोल रिएक्ट करती है, दोनों कंबाइन होती है, तो इन दोनों के मिलने से बन जाता है कैल्सीफेरोल। यूवी एंड एग्रेस्टेरोल दोनों के मिलने से बन जाता है कैल्सीफेरोल, एंड कैल्सीफेरोल इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। तो यहां से क्या पता चला, विटामिन डी हमें कहां से मिल रहा है, सनलाइट से। क्लियर? फर्स्ट सोर्स रहेगा सनलाइट, धूप से हमें कोई विटामिन नहीं मिलता, ठीक है, लेकिन धूप में ये निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सनलाइट से हमें कैसे मिला, सनलाइट के अंदर यूवी प्रेजेंट होती है, हमारी स्किन के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं एग्रेस्टेरोल। जैसे ही दोनों रिएक्शन करती है, रिएक्ट करने के बाद बन जाता है कैल्सीफेरोल, एंड कैल्सीफेरोल इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी, यानी विटामिन डी हमें कहाँ से मिल रहा है, धूप से। क्लियर? सेकेंड सोर्स है मिल्क, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। दूध और दूध से जितनी भी प्रोडक्ट बनती हैं उन सबके अंदर विटामिन डी होता है। थर्ड सी प्रोडक्ट, सी प्रोडक्ट समझते हो, सी प्रोडक्ट मीन टू से फिश, फिश के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन डी होता है। फिश ऑयल के लेमन कलर के कैप्सूल भी आते हैं जो हड्डियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, दैट मीन्स फिश या सी प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, विटामिन डी। एंड ग्रीनवेज आपको पता ही है, हरी सब्जियों के अंदर क्या होता है, विटामिन डी होता है। क्लियर? यहां से हमें सोर्सेस का पता चल गया। नेक्स्ट है, जो विटामिन डी है वो एक हार्मोन की तरह बिहेव करता है। विटामिन डी एक हार्मोन होता है, आप कह सकते हो, कैसे हार्मोन की तरह कैसे बिहेव करता है। हार्मोन क्या होता है, जितने भी हमारी शरीर में केमिकल रिएक्शंस होती है उनको सबको बैलेंस करके रखता है हार्मोन, ठीक है। आपकी बॉडी में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी वो भी हार्मोन की वजह से हो रही है, ठीक है। तो ये हार्मोन की तरह बिहेव करता है, इसलिए विटामिन डी को आप कह सकते हो विटामिन डी इट इज अ हार्मोन। क्लियर? ये खुद तो विटामिन है ही, हार्मोन की तरह बिहेव कर रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में एक्टिव होता है, तो यहां से एक वर्ड बन जाता है विटामिन डी, इट इज आल्सो कॉल्ड, इट इज Also called sunshine hormone vitamin. Sunshine hormone vitamin. Sunlight में active होता है, hormone की तरह behave करता है, vitamin ये खुद है, ठीक है, इसलिए हम इसको sunshine hormone vitamin भी कह सकते हैं। हमारे शरीर का इकलौता ऐसा vitamin जो हार्मोन की तरह बिहेव करता है, या आप कह सकते हो इकलौता ऐसा विटामिन जो हार्मोन की तरह बिहेव करता है, जो हार्मोन होता है उसको हम क्या कहते हैं, विटामिन डी, ठीक है। और इसका निर्माण कहाँ पे होता है, हमारे शरीर में ही होता है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? तो हमने पढ़ा अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो आईज पे इफेक्ट पड़ेगा, विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो बोन्स पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन है अपना विटामिन ई, अगर विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा हमारे शरीर में, ठीक है, हम इसकी डिटेल में स्टडी करते हैं। देखो हमारे शरीर की एक क्षमता होती है अपने जैसे संतान पैदा करने, हम अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पावर, रिप्रोडक्टिव पावर और यानी जनन क्षमता, ठीक है।
और जिस प्रोसेस के थ्रू बच्चे पैदा होते हैं उसको हम कहते हैं प्रजनन, मिंटू से रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये विटामिन ई है, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, इट मींस इट इज अ रिप्रोडक्टिव विटामिन। आप कह सकते हो कि रिप्रोडक्टिव विटामिन होता है, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव पावर को बढ़ाता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कमजोर हो जाएगा, रिप्रोडक्शन में कमी आ जाएगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं पहले इसका केमिकल नेम। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई इज टोकोफेरोल। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिप्रोडक्टिव विटामिन। विटामिन ई को रिप्रोडक्टिव विटामिन भी बोला जाता है बिकॉज इट हेल्प इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगर इसकी कमी हो रही है तो कहां पे इफेक्ट पड़ेगा, जनन क्षमता कमजोर हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी कमी से, डेफिशिएंसी से मेल के अंदर हो जाती है इम्पोटेंसी, इम्पोटेंसी इन मेल एंड इनफर्टिलिटी इन फीमेल। इम्पोटेंसी इन मेल, इम्पोटेंसी को कहते हैं हिंदी में नपुंसकता, नपुंसकता, जो मेल फादर नहीं बन सकता। ठीक है, एंड इनफर्टिलिटी को कहते हैं बांझपन, मिंटू से, जो औरत मदर नहीं बन सकती। तो अगर विटामिन ई की कमी हुई है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कमजोर हो जाएगा, मेल के अंदर हो जाती है इम्पोटेंसी एंड फीमेल के अंदर हो जाती है इनफर्टिलिटी। क्लियर, इसीलिए हम इस विटामिन को रिप्रोडक्टिव विटामिन भी कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? तो विटामिन ई हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो इसके सोर्सेस भी हमें पता होने चाहिए कि कहां से मिलता है। विटामिन ई का बेस्ट सोर्स होता है स्प्राउट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्प्राउट समझते हो? स्प्राउट्स आल्सो कॉल्ड जर्मिनेटिंग सीड्स। जर्मिनेटिंग सीड्स मीन टू से अंकुर, अंकुर समझते हो? अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज, ये बेटर सोर्स होता है, इवन बेस्ट सोर्स है जो विटामिन ई का, वो स्प्राउट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा काले चने या हरे मूंग होते हैं, उनको एक दिन पानी में भिगो दो, नेक्स्ट डे उसका पानी निकाल के उसको गीले कपड़े के अंदर बांध दो, दो तीन दिन के बाद आप देखोगे उसमें व्हाइट कलर की एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, उसको हम कहते हैं स्प्राउट्स बन गया, मतलब धागेनुमा संरचना बन जाती है, यानी अंकुरित होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये बेस्ट सोर्स है, एग के अंदर होता है विटामिन ई, मिल्क के अंदर होता है, ग्रीन वेज के अंदर होता है। ठीक है, ताजी सब्जियों में विटामिन ई होता है, मतलब बासी सब्जियों में नहीं होता, फ्रेश फूड खाया करो, फ्रेश फूड के अंदर क्या होता है विटामिन ई। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, फैट सोल्यूबल में आपका लास्ट विटामिन रह गया है विटामिन के, विटामिन के। देखो अभी तक हमने पढ़ा विटामिन ए की कमी से आईज पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, विटामिन डी की कमी से बोन्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, हड्डियां कमजोर हो रही है, और विटामिन ए की कमी से रिप्रोडक्टिव सिस्टम वीक हो जाता है। विटामिन के की वजह से क्या होगा, अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाए तो क्या होगा? देखो जो हमारा शरीर है वो हर रोज 5 to 6 liter ब्लड को सर्कुलेट करता है। ठीक है, हमारे शरीर में 5 to 6 liter ब्लड दौड़ता रहता है, खून बहता रहता है, बहते हुए खून का जमाव करता है विटामिन के। कैसे, जैसे मान लो एक्सीडेंट में किसी को चोट लग जाती है, ठीक है, चोट लगेगी तो ब्लड बहना शुरू कर देगा, कुछ देर के बाद बहता हुआ खून रुक जाता है ड्यू टू विटामिन के। ठीक है,
अगर खून कंटिन्यू बहता रहेगा तो इंसान की डेथ हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? खून को जमाने वाला नहीं है, यानी उसके अंदर विटामिन के की कमी है, ठीक है। और जो खून का जमाव है, खून के जमाव को कहते हैं क्लॉट होना, ब्लड का क्लॉट हो जाना, रक्त का थक्का जम जाना। तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है विटामिन के, क्लियर। तो सबसे पहले इसका पढ़ते हैं हम केमिकल नेम। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के इज फेलोक्विनोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के इज फेलोक्विनोन। ये किस चीज में हेल्प कर रहा है? इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है, बहते हुए खून को रोकता है, यानी आप कह सकते हो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, ठीक है। रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है विटामिन के। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, यानी देयर इज नो ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से कोई भी ब्लड क्लॉट नहीं होगा हमारी बॉडी में। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है, ब्लड को क्लॉट करता है, तो हमें पता होना चाहिए इसके सोर्सेस क्या क्या है, ये हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। विटामिन के ग्रीन वेज के अंदर होता है। सोर्सेस ऑफ विटामिन के ग्रीन वेज, मिल्क, एग। यानी हमने जान लिया कि जो विटामिन के है वो ब्लड को क्लोट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे और भी कंपोनेंट होते हैं जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। अदर कंपोनेंट्स दैट हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, तो आपका आंसर रहेगा विटामिन के। अगर आपसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा मिनरल है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, तो आपका आंसर रहेगा कैल्शियम, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, तो आपका आंसर होगा फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रॉम्बिन। ये ऐसे कंपोनेंट है जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, क्लियर। अगर विटामिन के कमी हो जाए ना, मैं वैसे जनरली क्वेश्चन बता देती हूँ, तो बच्चों के अंदर लूज मोशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कई ऐसे रोग होते हैं जिसमें ब्लड क्लॉट ही नहीं होता, खून बहता रहता है, वो जेनेटिक डिजीज होते हैं, जिनको हम कहते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज है जो पेरेंट्स से बच्चों में आती है, ठीक है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।